हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। ये हमारा सेवेंथ ट्यूटोरियल है कॉटलिन का, जिसमें हम लोग बात करेंगे नेस्टेड फंक्शन की और लैम्डा फंक्शन की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेस्टेड फंक्शन से। जब एक फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन कॉल करते हैं तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड फंक्शन। तो देखिए, इसके लिए एग्जाम्पल क्या लेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं सबसे पहले सॉल्व। इस तरीके से मैंने एक फंक्शन का नेम लिया और इसके अंदर मैं एक की वैल्यू ले लेता हूँ, इस तरह से डबल। ये डबल ले लिया मैंने, ए बी को भी हम डबल ले लेंगे और सी एक और पैरामीटर लेंगे और उसे हम डबल ले लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से डबल ले लिया और रिटर्न क्या करेगा, दो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे पेयर का और पेयर के अंदर बताएंगे किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो वो सबसे पहले होगा डबल और दूसरा जो होगा वो भी डबल होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं डबल इस तरीके से। अब देखिए, इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे एफ एन और यहाँ पर लिखते हैं मैं इसे कोई भी नहीं दे सकते, मैं सी ए एल दे रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए। और यहाँ पर वैल्यू देते हैं ए कोलन डबल और बी डबल और सी डबल, इस तरीके से तीन वैल्यू दी। और ये रिटर्न क्या करेगा, सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा एक। तो यहाँ पर ले रहा हूँ मैं डबल और यहाँ पर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसे रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न लिखेंगे यहाँ पर और रिटर्न करेंगे बी इंटू बी माइनस फोर ए सी। फॉर्मूला लिख रहे हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फोर ए सी इस तरीके से। और यहाँ पर इस तरीके से लगा लेंगे साइन, ये हमने इसको रिटर्न कर दिया है। अब देखिए एक और चीज़ करेंगे वाले हम। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखते हैं कि वैल्यू और उसमें हम रूट निकाल लें। तो यहाँ पर रूट लिखेंगे इज इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे मैथ डॉट एस क्यू आर टी, ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज़ करते हैं। और फिर हम कौन सा फंक्शन, सी एल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हम तीन वैल्यू पास कर रहे हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। यहाँ पर तीन वैल्यू हमने इसके अंदर पास कर दिए। अब देखिए इसके अंदर मैं इसको क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न, रिटर्न की स्पेलिंग सही लिख लीजिएगा रिटर्न। और यहाँ पर लिखता हूँ पेयर और यहाँ पर मैं वैल्यू को पास करूँगा पेयर में। तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस बी प्लस रूट और ये हमने प्लस माइनस बी प्लस रूट ये कर दिया। और दूसरी चीज़ हम लोग करेंगे डिवाइड बाय टू ए, टू इंटू ए इस तरीके से। अब यहाँ पर लगाते हैं कॉमा और इसी को यहाँ पर से कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर से इसे कर लेते हैं इधर पेस्ट। और इसकी जगह पर माइनस की जगह पर हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर यूज़ कर लेंगे सॉरी यहाँ पर कमॉन कीबोर्ड, यहाँ पर कर देंगे माइनस, प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर हमने प्लस को माइनस कर दिया और इसे कर लेंगे हम यहाँ पर सेव। इस तरीके से हमने भेज दिया इसे। अब देखिए अभी से हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने इसमें कॉल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ले लेते हैं दो वेरिएबल और वो किसी नेम दे रहा हूँ मैं एक्स वन कॉमा एक्स टू, जो वैल्यू स्टोर करेंगे हमारी। यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से सॉल्व और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर से वैल्यू पास कर सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। मैं पास कर रहा हूँ वन कॉमा ज़ीरो और टेन कॉमा ज़ीरो और सिक्सटीन कॉमा ज़ीरो, ये मैंने तीन वैल्यू यहाँ पर मैंने पास कर दी। अब देखिए इसे प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एलन और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डबल कोटेशन और यहाँ लिखता हूँ एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, वो आनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं डॉलर का साइन, मैं लिखता हूँ एक्स वन कॉमा और एक्स टू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ लिखेंगे एक्स टू और इज इक्वल टू डॉलर का साइन एक्स टू। तो इससे क्या होगा, हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सेव कर लेते हैं इसे और इसे रन कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा इस तरह से एक आउटपुट जनरेट हो गया, एक्स वन की वैल्यू हमें मिल गई और एक्स टू की हमें ये वैल्यू हमें मिल गई। अब देखिए यहाँ पर हम अगर अब देखें तो यहाँ पर हमने नेस्टेड फंक्शन यूज़ किया है। यहाँ पर आप इसे इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं, इन्हें यहाँ पर इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो ए बी सी की वैल्यू है ये इसके अपर फंक्शन से ले लेगा। यहाँ पर से डिलीट करके भी आपका सेम आउटपुट आएगा, सेव करके रन करेंगे तो आपका सेम आउटपुट आपको मिलेगा, क्योंकि ये क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू ये इसके अपर फंक्शन से यहाँ पर से इसे कॉल कर लेंगे। और यहाँ पर से भी इसे आपको हटाना होगा इनको इधर से,
इस तरीके से सेव कर लेंगे। अब चलाते हैं इसे, अब हमारा कोई एरर नहीं आएगा, डायरेक्ट हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद लैम्डा फंक्शंस की। तो देखिए हमारा आउटपुट आ गया है लैम्डा फंक्शन, जिसमें हम एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। इन फंक्शन में देखिए क्या होता है, इन फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करके डायरेक्ट एक्सप्रेशन में भेज देते हैं। तो देखिए वही करने वाले हैं हम। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेल, और इसको नाम दे रहा हूँ मैं प्रो इक्वल टू, और यहाँ पर लेंगे कर्ली बेसिस, और लैम्डा फंक्शन हमेशा कर्ली बेसिस से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर लेंगे कर्ली बेसिस, फिर लगेंगे एक्स, और इसका टाइप बताएंगे किस टाइप का है, हमारा इंटीजर टाइप का है। इसी तरह से वाई के बता देंगे, वाई भी हमारा इंटीजर टाइप का है। और ये क्या परफॉर्म कर रहा है, एक हमारा एक्स इंटू वाई ये परफॉर्म कर रहा है ये। तो एक्स इंटू वाई हमने इस तरीके से लिख दिया, तो ये हमारा क्या हुआ, एक हमारा लैम्डा फंक्शन हो गया। अब इसी को दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए उसका तरीका क्या है। उसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं वेल, फिर मैं लिखता हूँ प्रो, और फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगा कोलन, और फिर लगाते हैं कहते हैं पैरेंथेसिस, और हम टाइप बताते हैं सबसे पहला इंट, और दूसरा जो पैरामीटर होगा जिसकी जो वैल्यू होगी वो भी हमारी इंटीजर वैल्यू होगी, और जो आउटपुट आएगा वो भी हमारा क्या होगा कहते हैं इंटीजर टाइप का होगा। और अब हम इस यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर पास कर सकते हैं। सीधे लिखना पड़ेगा हमें एक्स कॉमा वाई, इस तरह से यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे, सिंपल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले से हमने डिफाइन कर दिया है इसे कि किस टाइप का हुआ, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है। और यहाँ पर इसे पास कर देंगे इस तरीके से सिंगल एरो, और यहाँ पर एक्स इंटू वाई यहाँ पर इसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट एलन डबल कोटेशन, अब मैं लिखता हूँ 3 × 4 इज, और यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले हम क्या लेते हैं डॉलर का साइन, फिर लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर सबसे पहले लेंगे प्रो, और यहाँ पर हम पास कर देते हैं कोई भी वैल्यू 3, 4 मैंने ये दो वैल्यू पास कर दी। सेव कर लेते हैं इसे, और इसे आप लोग इसे रन कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने हमें इसे रन करना है लैम्डा वाले को, तो हम कहते हैं मेन में क्लिक करेंगे और फिर ऑल्ट एंटर दबाएंगे, तो ये हमारा सिर्फ लैम्डा वाली फाइल हमारी रन हो जाएगी 3.4 × 12। अगर आप मेन को सिलेक्ट करके ऑल्ट एंटर नहीं दबाते हैं और यहाँ से रन करते हैं, तो ये आपका हेलो किटी जो पहले था वो रन हो रहा था, इसलिए हमने क्या किया मेन पे यहाँ पर इसे यहाँ पर लेके आया हमने कर्सर को, ऑल्ट और एंटर दबाया। ये सिस्टम से पूछा कि रन कॉटलिन डॉट लैम्डास डॉट लैम्डा वाला, तो हमने एंटर दबाया और हमारा आउटपुट जनरेट होकर आ गया। तो इस तरीके से आप आउटपुट ला सकते हैं किसी पर्टिकुलर मेन का। और इसके अंदर देखिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं वेल, एक और यहाँ पर लिखता हूँ मैं नम नंबर के लिए इक्वल टू, यहाँ पर लिखता हूँ लिस्ट ऑफ, हम लोग लिस्ट पास कर रहे हैं इसमें, लिखते हैं 7, 8, 9, 3, 4, 2 इस तरीके से। अब मैं ये देखूँगा कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 3 से ग्रेटर है, तो हम उसमें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वेल, और इसे मैं दे रहा हूँ नंबर एन, यहाँ पर यूज़ करूँगा नम डॉट, लिखता हूँ काउंट, काउंट क्या करेगा हमारे काउंट करेगा, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे कंडीशन। तो ये देखिए हमारा ये काउंट क्या है, हमारा एक फंक्शन है जिसके अंदर हम लैम्डा को पास करेंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ लिखेंगे एक्स एरो का साइन, फिर लिखेंगे एक्स इज ग्रेटर देन 3 इस तरीके से। ये हमारा चेक करेगा कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है या नहीं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्रिंट कर देंगे एक्स को। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट एलन, और की वैल्यू एन यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, और इसे कर लेंगे सेव, और इसे करते हैं रन। तो यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट रन, या मेन में जाइए ऑल्ट एंटर एंटर। तो देखिए फ्रेंड, हमारा आउटपुट आ गया 4। जो एरर आ रहा था वो इस वजह से आ रहा था कि हमने लिस्ट ऑफ में ओ जो था वो आपका स्मॉल में लिख लिया था, एक्चुअली कैपिटल ओ आएगा और फिर एफ आएगा ऑफ इस तरीके से। और यहाँ पर हमने वैल्यू दे दी 4। 4 चार ऐसी वैल्यू हैं जो 3 से ज़्यादा हैं। देखिए जब भी आप किसी फंक्शन के अंदर, जैसे हमारा फंक्शन था इसके अंदर हमने लैम्डा पास किया था, सिंगल लैम्डा पास करते हैं, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमारा सेम आउटपुट आएगा। तो चेक कर लेते हैं ऐसे आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। वही सेम आउटपुट आएगा जब भी आप किसी भी एक
चलते हैं फंक्शंस के अंदर सिंबल लैम्डा पास करते हैं। तो हमने पास किया था, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, जब भी आप सिंगल वेरिएबल का यूज़ करते हैं तो उस टाइम आप किसका यूज़ कर सकते हैं, उस टाइम आप यूज़ कर सकते हैं इट का। इस तरीके से इट भी आपका उसी तरह से काम करेगा जैसे हमने इससे पहले करा था। तो इसे भी रन कर लेंगे, चेक करते हैं आउटपुट अपना। तो देखिए सेम आउटपुट आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना